अच्छा, जिन्होंने मैंने पिता बनाया। अच्छा, और उसके बाद देव राजेंद्र मिला तो मेरा दुश्मन मिला। अच्छा, और तीसरे आप मिले तो नहीं आप ही गुरु बन जाइए मेरे। देखिए, मैं तो आपके लाभ के लिए बन रहा हूँ, आपके कार्य में उन्नति करने के लिए गुरु बन रहा हूँ। अगर आपको बनाना है तो ठीक है, अन्यथा मैं चलता हूँ। नारायण, मैं आपको गुरु बनाता हूँ, आपको गुरु मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ गुरुदेव आपको। मैं प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण हो। अब बताइए मैं कैसे देवराज इंद्र से विजय प्राप्त करूंगा। सुनो, हाँ, देवराज इंद्र से तुम इस प्रकार से विजय कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते हो। नारायण नारायण, कैसे प्राप्त करूंगा गुरुदेव? क्योंकि 33 करोड़ देवताओं का सम्राट जो देवराज इंद्र है, उसके पास अनेकों अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, दिव्यास्त्र हैं, यहाँ तक कि उसके पास वज्र है। तुम कभी विजय प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। ऐसा ही हुआ है, परंतु एक कार्य में तुमको बतलाता हूँ। कहिए गुरुदेव। जाइए अपने पिता श्री के पास। अच्छा, और उनसे जा करके उनका प्रलयकाली त्रिशूल लेकर के आओ, तभी तुम देवराज इंद्र से विजय प्राप्त कर पाओगे। वाह गुरुदेव, वाह नारायण। इसी वक्त में जा रहा हूँ अपने पिता श्री के पास। हाँ। हर हर महादेव, हर हर, हर, हर शंभो। अब मैं भी चलता हूँ। ओ चलो प्रभु की डगरिया, दुनिया से नाता रिश्ता तोड़ के। ओ चलो प्रभु की शरणिया, दुनिया से नाता रिश्ता तोड़ के। हर हर शंभो, हर हर शंभो। वाह, पिता हो दुनिया में तो इनके जैसा, पिता दुनिया में हो तो इनके जैसा। संसार कहती है भोले, पर आज मैं कहता हूं कि बहुत भोले। पुत्र को रणभूमि में भेज दिया निहत्थे और अपने समाधि पर लीन है। वाह पिता श्री, वाह। तीर नेत्र गोरा बदला, भस्म रमाले यंग, जटाजूट के बीच में विराजमान श्री गंग, विराजमान श्री गंग। बगल लिए नांदिया आला, डम 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 डमरू बजावे गले मुंडो की माला। पिता श्री के चरणों में इस जलंधर का प्रणाम स्वीकार हो पिता श्री। प्रसन्न रहो पुत्र, कहिए हमारा कार्य हो गया। देवराज इंद्र को यमरावती से खदेड़ दिया, भगेड़ दिया। इतना भगेड़ा मैंने उसको, इतना भगेड़ा कि खुद मैं भग गया। अच्छा पिताश्री, कहो। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, मैं तो बालक था, आपने मुझको अभी अभी उत्पन्न किया है। आप तो पिताश्री थे, आपको ध्यान देना चाहिए कि मैं अपने पुत्र को रणभूमि में भेज रहा हूँ और अभी निहत्थे भेज दिया मुझे। सत्य कह रहे हैं पुत्र, लेकिन कोई बात नहीं है, हम तुम्हें अपना प्रेकाली त्रिशूल देते हैं। यही तो त्रिशूल तभी लेने आया हूँ। मस्त बंतोल बता गई, इधर भोले बाबा ने अपनी सुनो दिव्य शक्ति त्रिशूल प्रदान कर दी। लेकिन बेटा जालंधर सुनो, तुम हो मेरे लाल, ब्याह अगर करवाएगा निश्चय तेरा काल। हे पुत्र जालंधर, कहो पिताश्री। तुम मेरी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बतलाना चाहता हूँ कि जीवन में कभी तुम अपना विवाह मत रचाना। जिस दिन तुम्हारा विवाह हो जाएगा, उसी दिन समझ लेना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या कहा? यदि मैं जिस दिन विवाह करूंगा, उसी दिन मेरी मौत का कारण होगा। हाँ। और यदि मैंने विवाह नहीं किया तो मैं अजय अमर रहूंगा। हाँ पुत्र। तो ठीक है पिताश्री, मैं सदा बाल ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरी मौत ही नहीं होगी। ठीक है पुत्र, जाओ। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। आ रहा है जलंधर, हर हर महादेव। अरे अनार ना मिली हो, अनार ना मिली बैबे बबूरा, तो खाए का अनार ना मिली। ऐसा मनवा यतनवा बार बार ना मिली, बार बार ना मिली, बार बार ना मिली, बार बार ना मिली, बार बार ना मिली। ऐसा मनवा यतनवा बार बार ना मिली, ऐसा मन
मा यतन बार बार ना मिली। नारायण नारायण, मैं अपने पिता श्री की दी हुई त्रिशूल प्राप्त हो गया है। नारायण नारायण, प्राप्त कर लिया पुत्र? हाँ, अब तो मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। नारायण नारायण, अभी एक शक्ति से विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों गुरुदेव? क्योंकि कहीं अभी बहुत बढ़िया आपकी पिता श्री के सहायता के लिए। अच्छा, मेरे पिता श्री आ गए तब तुम क्या करोगे? यानी तुम्हारे पिता श्री है कोई? ब्रह्मदेव। अच्छा, अगर वो आ गए हाँ, तो फिर अकेली शक्ति क्या कर पाएगी? इसलिए तो क्या करना होगा गुरुदेव? मेरे पिता श्री के पास जाओ ब्रह्मलोक, और उनसे जो है ब्रह्मास्त्र मांग कर लाओ, तभी देवराज इंद्र से विजय प्राप्त कर पाओगे। मैं अभी जा रहा गुरुदेव। नारायण नारायण, चलो फिर। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण 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 नारायण। कल्याण हो तुम्हारा, कहो वीर पुरुष तुम कौन हो? मैं सुपुत्र जलंधर हो। कहो जलंधर, किस लिए आना हुआ हमारे पास? मेरे पिता श्री का किसी ने अपमान किया है, बदला हेत में तुम्हारे साथ ब्रह्म अस्त्र लेने आया हूँ। क्या कहा? क्या मुझे दे सकते हैं आप? भूत भान भोलेनाथ का किसी ने अपमान किया है? हाँ, इसमें तो हमारा भी अपमान है। तुम हमारी ब्रह्म शक्ति लेने के लिए आए हो तो लो, हमारी ब्रह्म शक्ति ले जाओ। लेकिन याद रखना एक बात तो बताओ। बोलो। दिया जाए? और जलंधर, जब ये तुम्हारी शक्ति का कार्य हो जाए तो मेरी वापस कर देना, और लौट कर कभी मेरे ऊपर ये शक्ति नहीं चलाना। तन तो ही बनता ले सबरे। ठीक है, जाओ, जब समय आएगा तब देखा जाएगा किस पर चलाई जाएगी किस पर नहीं चलाई जाएगी, वो समय बताएगा। हरि सतगुरु दीन दयाल का गोसे हंस बनाते हैं, सतगुरु दीन दयाल का गोसे हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल का गोसे हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं, पद का पाठ पढ़ाते हैं। गुरुदेव। नारायण नारायण पुत्र जलंधर। देखो, मैं अपने पिता से और तुम्हारे पिता से शक्ति ले आया हूँ। नारायण नारायण, पर इन दो शक्तियों से भी देवराज इंद्र से विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। नारायण नारायण। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों की सहायता करने के लिए मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु भगवान आ जाएंगे तब फिर तुम क्या करोगे? यानी अभी और कहीं जाना होगा? अभी तुम जाओ मेरे आराध्य नारायण के यहाँ क्षीर सागर। ठीक है, और संसार की अंतिम शक्ति उनका सुदर्शन चक्र लेकर के आओ। अवश्य, मैं भी इस वक्त जा रहा हूँ। हर हर महादेव। नारायण नारायण हरि हरि, हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शेष नाग पर सैया करने वाले श्री हरि के चरणों में प्रणाम करता है जलंधर। इच्छीस सागर में आने वाले तुम वीर पुरुष कौन हो? मैं भूत भान भोलेनाथ का पुत्र, मेरा नाम जलंधर है, मेरे पिता का किसी ने अपमान किया है, बदला लेने के लिए आपके पास मैं आया हूँ, क्या आप मुझे सुदर्शन चक्र प्राप्त करेंगे? उनके तो दो ही पुत्र थे, कार्तिक गणेश। अभी अभी मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मुझको समुद्र से उत्पन्न किया गया है। इतने बड़े कैसे हो गए? अरे जब मैं उत्पन्न हुआ भूत भान भोलेनाथ ने, हम राक्षस है, हम माया भी होते हैं, पल में क्या कर सकते हैं तुम भी नहीं जानते हो। अच्छा, समुद्र से उत्पन्न हुए? हाँ, मैं समुद्र से उत्पन्न हुआ हूँ। तुम्हारे साले साहब लगते हो।
हाँ बिल्कुल सही है। क्या कहो? हाँ आप रिश्तेदार हो गए इनके। ये रिश्ता कहाँ से आ गया? देवी लक्ष्मी का, देवी लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। अच्छा, और तुम्हारी भी उत्पत्ति समुद्र से हुई, इसलिए तुम और लक्ष्मी जी दोनों भाई बहन हुए। और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को विवाही हैं, इसलिए तुम इनके साले हुए। अच्छा, ये तुम्हारे जीजा जी बने। कोई बात नहीं है, जीजा से जीजा, पर मुझे जीजा साले से कोई मतलब नहीं है। मेरा जो मकसद है मुझे उस पर ध्यान देना है। चक्र पर एक शर्त मैं दूंगा। कौन सा शर्त है? एक बार जीजा जी कह दो। ये समय की बात है, पर जब समय आएगा तब जीजा जी को मैं अच्छा नाचना चाहूंगा। कोई बात नहीं है, मेरा आज अटका है, आपको मैं जीजा कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ जीजा श्री के चरणों में। एक बार और कह दो। प्रणाम करता हूँ पुणे जीजा के चरणों में। एक बार और कह दो। जीजा के चरणों में पुणे प्रणाम करता हूँ। ये लो। अब एक बात मुझे तुम बताओ जीजा जी, क्योंकि अब मेरे हाथ में आ गया है। ये सुदर्शन यदि तुम्हारे ऊपर चला तो मैं क्या चलेगा? चल जाएगा, पर ऐसा मत करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर जब समय आएगा तो समय बताएगा। मैं तो नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो तुम्हारी जो बहन है ना, हाँ, वो रावण तभी नहीं हो सकता जीते जी। मेरे मेरे बहन किस कोई आंख भी नहीं उठा कर देख सकता है। हर हर शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सर्वांगो राजेंद्र। अरे भोला बाबा, बम भोला बाबा, नारद आजा भोला बाबा, भोला बाबा, बम भोला बाबा, भालन भाग खगोला बाबा, नारायण नारायण। पुत्र जालंधर, ले आए मेरे आराध्य नारायण की शक्ति, ब्रह्मास्त्र। हाँ, पिता जी का दिया हुआ त्रिशूल, नारायण नारायण, सुदर्शन चक्र, नारायण नारायण। पुत्र जलंधर, हाँ, अब तो तीनों लोकों में तुमसे जीतने वाला कोई है ही नहीं। अब मुझे कोई नहीं जीत सकता। कोई नहीं जीत सकता गुरुदेव। तुम देवराज इंद्र को चाहे जैसे जिस प्रकार से हरा सकते हो। अरे मैं हराऊंगा नहीं गुरुदेव, उससे बदला लूंगा, क्योंकि उसने मुझे मारा कम था, घसीटा ज्यादा था। सत्य है। अब तुझको मैं बताऊंगा कैसे हाल उसका होगा। मैं चलता हूँ बेटा। ठीक है, मैं चलता हूँ अमरावती की ओर। अरे जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए ता होई।